प्यारे बच्चों, आज असी जमात चौथी दा पाठ सत्तवां किरिया करन जा रहे हैं। बच्चों, किरिया अंग्रेजी भाषा दे विच इसनू वर्ब कहिंदे हन। बच्चों, किरिया उह शब्द हन अते व्याकरण दा उह भाग हन जिस विच किसी काम दे करन या होन बारे सानू पता चलदा। उह शब्द जिस तों किसी काम दे होन जां करन बारे सानू काल सहित पता लगे उसनू किरिया कहिंदे हन। बच्चों, काल सेहत की है? काल सेहत मतलब समय अनुसार। बच्चों, कुछ काम असी वर्तमान काल दे अनुसार करते हाँ, यानी कि कुछ काम असी हाल दी कड़ी हजे कर रहे हाँ जड़े हजे पूरे नहीं हुए हन। कुछ काम असी भूतकाल विच कर चुके हाँ अते कुछ काम असी भविख लई सोचे हुए हन। तो इस तरह वो शब्द जड़े किसी काम दे करन जां होन बारे काल सेहत दसन उन्हां नूं किरिया कहिंदे हन। बच्चों, किरिया काल दे अनुसार तीन भागां विच असीं वंड सकदे हाँ, वर्तमान काल, भूतकाल ते भविख काल। तो इस तरह किरिया दा संबंध काल नाल है। तो जेकर असीं किरिया किसी शब्द विच लभना है तो असीं उस वाक नूं पहले चंगी तरह पढ़ांगे अते उस वाक दी वंड व्याकरण दे भागां अनुसार करांगे। जिवें कुड़ी रस्सा टपदी है, तो बच्चो इस वाक दे विच जिहड़ी कुड़ी शब्द है वह करता है, क्योंकि काम करन वाले नूं करता कहिंदे हन। तो कुड़ी रस्सी टप्पण दा काम कर रही है, तो कुड़ी इस विच करता है। तो की काम कर रही है? रस्सा टप्पण दा काम कर रही है। तो इस विच क्रिया शब्द केड़ा है? टपदी है। तो इस विच टपदी है जड़ा है वह क्रिया शब्द है। अते की टप रही है? जेकर असी ये प्रश्न पूछिए तो वह उसका जवाब आएगा रस्सा। तो जिस काम नूं वह कर रही है उसनू कर्म कहिंदे हन। इस तरह जिन्हां शब्दों तो सानू यह ज्ञान होंदा है कि वह काम हो रहा है वह किरिया है, जिवें टपदी है किरिया है। जिस शब्दों तो सानू पता चलता है कि केड़ा काम हो रहा है वह कर्म है, जिवें इस विच रस्सा कर्म है। अते जिहड़ा काम करदा है या काम नूं करन वाले नूं करता कहिंदे हन, जिवें इस वाक दे विच कुड़ी करता है। तो इस तरह कुड़ी करता, रस्सा कर्म अते टपदी है किरिया। बच्चों, किरिया शब्द कई हुंदे हन, जिवें नचना, हसना, रोना, गाना, पीना, सुनना। तो इस तरह ये सारे शब्द जिन्हां तों सानूं काम दे होण दा पता चलदा है उसनूं किरिया कहिंदे हन। तो किरिया जेकर असीं वेखिए तो मैं तुहानूं दसी है कि वर्तमान काल, भूतकाल ते भविख काल दे अनुसार किरिया जिहड़ी है तीन भागां विच असीं वंड सकते हाँ। तो इस करके, क्योंकि इसका संबंध काल नाल है, इस करके इस दे पिछे जिहड़ी भी सहायक किरिया हुंदी है उसनूं भी असीं किरिया विच ही गिणदे हाँ। जिवें टपदी है विच टपदी भी आएगा ते है भी, सुनदा है विच सुनदा है पूरा आएगा, इस विच एक किरिया है। स्वाति उच्चा बोलदी है तो बोलदी है किरिया है। पढ़ रही सी पढ़ना एक काम है, तो रही सी सहायक किरिया है, इस करके पढ़ रही सी। झाड़ू लगाया, माँ ने रोटी पकाई, पकाई आएगा, रोटी नहीं आएगा क्योंकि रोटी कर्म है, ठीक है। गीता वाजा वजा रही होवेगी तो वजा रही होवेगी। मनजीत कपड़े वेचेगा आएगा, असीं दिल्ली जावांगे तो जावांगे आएगा। तो इस तरह अजिहे शब्द जिवें टपदी है, सुनदा है, बोलदी है, पढ़ रही सी, झाड़ू लगाया, पकाई, वजा रही होवेगी, वेचेगा, जावांगे, तो ये शब्द की हन? किरिया हन। बच्चों, किरिया हुण जिवें कि असीं पढ़िया कि करता कर्म किरिया है, आदि अनुसार असी वाक विच इस तरह किरिया नूं प्रयोग करते हाँ। पर जेकर असी कुछ असी वाक इस तरह के भी बोलते हाँ जिस विच सिर्फ करता ते किरिया हुंदी है, उस विच कर्म नहीं हुंदा। तां इस दे अनुसार जड़ा किरिया है उस दीआं दो किस्मां हन, अकर्मक किरिया ते सकर्मक किरिया। अकर्मक किरिया उह किरिया हुंदी है जिस विच केवल करता होवे अते कर्म ना होवे, वह अकर्मक क्रिया होंदी है। जिवें बच्चों, राजू खांदा है तो राजू तो करता हो गया, तो खांदा है की है? राजू करता है अते खांदा है किरिया है।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਕੇਕ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਰਾਜੂ ਹੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤਾ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਕਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਕਰਮਕ ਅਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਸਮ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ